बैक टू माई चैनल। मैं हूँ खुशबू यादव, आप सबके दोस्त। और फिलहाल मैं हूँ MIDC थाने में, और यहाँ पर छठ पूजा का जो पर्व हर साल बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल हमारे जो एकनाथ शिंदे सर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे, समय के हिसाब से सब अच्छा ही है। कौन हो रहा है वो पूजा करने के लिए दे रहे हो, तो बहुत अच्छी। ये तो आपने सही बोला कि त्योहार बाहर नहीं मनाए, तब हाँ तो छठ पूजा तो बाहर मनाने के लिए दिए। सही बात, एटलीस्ट पूजा करने के लिए परमिशन दिया है और इतना कुछ करके दिया है, इतना इंतजाम करके दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। जानते हैं कि कौन है छठी मैया और किसने की इनकी सबसे पहली पूजा। पुराण की कथा के अनुसार प्रथम मनु प्रियव्रत कोई संतान नहीं थी। प्रियव्रत या मनु ने कश्यप ऋषि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। इससे उनकी पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह पुत्र मृत पैदा हुआ। मृत शिशु को छाती से लगाकर प्रियव्रत और उनकी पत्नी विलाप करने लगी। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक विमान पृथ्वी की ओर आता दिखा। नजदीक आने पर सभी ने देखा कि उस विमान में एक दिव्याकृति नारी बैठी है। देवी ने प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को संतान प्रदान करती हूँ। देवी ने मृत बालक के शरीर का स्पर्श किया और बालक जीवित हो उठा। महाराज प्रियव्रत ने अनेक प्रकार से देवी की स्तुति की। देवी ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि पृथ्वी पर सदा हमारी पूजा हो। राजा ने अपने राज्य में छठ व्रत की शुरुआत की। तो इस तरह से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और हम लोग हैं अभी MIDC थाने में। सो अभी है मेरे साथ मेरे वीडियो में मेरे डैडी और आप लोग आए बेटा। बाय। तो कैसा लग रहा है आपको इस साल छठ पूजा में? बहुत मस्त लग रहा है, शांति है, सुकून है। ज्यादा रश नहीं है, आराम से बैठे हैं। तो ये जो भी अरेंजमेंट्स हुआ है एकनाथ शिंदे सर के द्वारा, क्या आपको ये अरेंजमेंट्स पसंद आई हैं? बहुत मस्त, बहुत मस्त। एकनाथ शिंदे सर बहुत कुछ किए पब्लिक के लिए, अच्छा काम किया एकनाथ शिंदे सर। थैंक यू। निकलेंगे यहाँ पे, सब लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। और बिना
मैं।